तूने? ठीक तो बैठी है। नहीं यार, अरे क्या पूछना है, बस इतनी दुखी बैठी है तू? क्या बताओ यार, सुबह से मेरे साथ ट्रेजडी पे ट्रेजडी हो रही है। अरे ऐसी क्या ट्रेजडी, तू सुबह क्लास में भी अटेंशन नहीं दे और अभी इतनी दुखी बैठी है। देख मैं नहाने गई लेकिन बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, उसके बाद मम्मी को बोला कि यूनिफॉर्म लेकर आओ, तो कहा कि रात को इस्त्री वाला नहीं आया, देखना बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर आ गई। उसके बाद डब्बा भी नहीं दिया, कहा गैस खत्म हो गई, सर कैंटीन से कचरा खाना पड़ेगा। और पता इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से दसवें माले से मुझे नीचे उतर कर आना पड़ा। क्या तो टेंथ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर नीचे उतर कर आई तो क्या? और आज सुबह तो सुबह से मैं यही सोच रही हूँ कि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते ये ऐसे नॉलेज का क्या फायदा है यार। हाँ तेरा तेरी बात सही तो है, तूने अपनी ग्रुप बनाया जिसमें बड़े और छोटे सब काम करे, बैड आइडिया यार। बढ़िया ग्रुप बनाना अगर तुमने हंसने वाली क्या बात थी, तुम सब हमें ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा आइडिया है, ग्रुप ज्वाइन करने से मैं टीवी पर आ सकता हूँ, नेम पे मनी। ठीक है हाल चलो ज्वाइन कर, अब तुम लोग ज्वाइन कर ही चुके तो मैं भी ज्वाइन कर। पर उस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? डेयरडेविल्स। ओ भाई हमें नेचर क्लब का नाम रखना है, क्रिकेट टीम का नहीं। क्रिकेट टीम का नहीं तो पीवा केरला। हमें स्पोर्ट्स क्लब का नाम नहीं रखना है, नेचर क्लब का नाम रखना है। समझा? वो देख हुआ रहता आउटस्टैंडिंग प्लेयर, चलो सीधे पूछ। वो संकेत ध्रुव हाय यार बोल। इमेजिन कर तू एक नेचर क्लब बना रहा है तो उसका नाम क्या रखेगा? पैराडाइजेशन, मतलब स्वर्ग जैसा जहां। ओह उसको बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है ना, अब अच्छा लगा है तो ग्रुप का नाम यही फिक्स रखते हैं। चल ठीक है रखे। पर यार हम इस ग्रुप को बड़ा कैसे बनाएंगे? मेंबर्स बना के। अरे बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं फॉर्म डिजाइन करके लाता हूँ और मैं फॉर्म बांट दूंगा। वैसे भी मेरे बांटने से तब हमारा ग्रुप ज्वाइन कर ही नहीं। ठीक है पर कल मिलते हैं। बाय बाय। प्लीज लुक टू द स्लाइड्स। मैंने काम कर जी को बोल के वो छह से हटे, वो स्लाइड के बीच में आ रहे हैं। अगेन प्लीज सी द स्लाइड्स। Thank you.
CIA का प्रोग्राम लग रहा है ग्रीन माफी करके। हमें अथॉरिटी से बात करनी चाहिए इसके बारे में कुछ। ठीक है ठीक है, चलो बच्चों सर हमने बाहर एक बोर्ड देखा था क्लीन माफी ग्रीन माफी, तो हम उसका आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर हमारा एक एनजीओ है लीग ऑफ गुजरात, हमने कई सारी एक्टिविटीज की है जैसे प्लांटेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम चाहते थे कि हम आपके इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सके, तो क्या आप हमें इसका प्रोसीजर बता सकते हैं? हाँ, क्या आप आपके एनजीओ के बारे में कुछ और डिटेल्स बता सकते हैं? यस सर, कोलकाता में एक एनजीओ है ITF, दैट इज इंडियन पीस फाउंडेशन, ये रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये लोकल यूनिट से डब करता है जिसे लीग के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स दैट लोकल एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप एसोसिएटेड टू अ सोसाइटी और अ प्लेस। फॉर अ लाइव एग्जांपल वी कैन से लीग ऑफ गुजरात। सर क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये फॉर्म को फिलअप करते ही आप हमारे ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे। और बात रही प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम का नाम है लेट्स क्लीन अप पापी, इसका यही मोटिव है क्लीनिंग एंड ग्रीनिंग बापी। VIA और कई बड़ी फर्म्स इसे सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि हम हर हफ्ते अलग अलग सोसाइटीज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करें, और आप जैसे ही लोग अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा बापी एक दिन जरूर ग्रीन बनेगा। सर आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, सर हम जो प्लांटेशन करेंगे तो आप इसके लिए फीस क्या प्लान प्रोवाइड करेंगे? हाँ क्यों नहीं, बस आपको कुछ डिटेल्स बतानी होगी जैसे सोसाइटी का नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। सर डिटेल्स रेडी है, फिर एक बार आप देख सकते हो। ओके ओके, आई विल सी इट लेटर। यू कैन अगेन सी द स्लाइड्स। Some months later. बताना क्या हुआ? हाँ यार वो क्या है ना, मतलब हम लोग देना
काफी एक्टिविटीज किए, जैसे वो ट्रांसलेशन किया और सोसाइटी में जाकर अवेयरनेस फैलाते हो, तो मतलब हम दोस्तों को पता पहले तो तुम्हारा ग्रुप ऐसा है वैसा है बोल कर चले गए थे, अब क्या हो गया? चले आए मुझाकर। पहले हम किसी के बहकावे से एक ग्रुप छोड़ के गए और हम इस बार सीरियसली काम करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे हर एक एक्टिविटी। और अगर ग्रुप में सीरियसली काम करना ही चाहते हो और इस ग्रुप के पीछे मेहनत करोगे तो तुम लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अब सारे बीती बातें भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं। थैंक यू। Gracias.